बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर जंगल में भयंकर आग लग गई। किसानों की गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। इस आग में जंगली जानवरों पर जान का खतरा मंडराया है। बिजनौर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जंगल में भयंकर आग लगी। बड़ी और अहम खबर बिजनौर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। जंगल में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जंगल में भयंकर आग लगी। किसानों की गन्ने की फसल जलकर राख हो गई इस आग की वजह से। और इसके साथ ही अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये अपडेट आपको हम दे दें, अभी भी आग लगी हुई है। लगातार ये आग जंगल में फैलती जा रही है। थाना मंडावर के बालावाली इलाके का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं तस्वीरों के साथ। जंगल में भयंकर आग लगी है और लगातार ये आग फैलती जा रही है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। किसानों की गन्ने की फसल इस आग की वजह से जलकर राख हो गई। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। लगातार ये आग जंगल में फैलती जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से। तस्वीरें थाना मंडावर के बालावाली इलाके का ये मामला है। श्रावस्ती में एक गांव में भीषण आग लग गई। चार घर जलकर राख हो गए। इस आग में घर में लेटी बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस। इकोना के कोटवा गांव की यह घटना है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती की, जहां पर एक गांव में भीषण आग लगी और दरअसल चार घर जल गए। इस आग में चार घर जलकर राख हो गए। तांडव किस तरह से, गांव में भीषण आग लगी श्रावस्ती में, जहां पर चार घर जलकर राख हो गए और एक महिला की भी इसमें जलकर मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि आग आखिर लगी कैसे। अक्सर आपने